सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की पीठ ने फैसले में कहा कि किसी का भी मकान गिराने से पहले उसे 15 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा और इस नोटिस की जानकारी जिले के डीएम को भी देनी होगी। आज बहुत बड़ी बातें कोर्ट की ओर से कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी है, फैसले की अवमानना करने पर कार्रवाई होगी, ये कोर्ट की अवमानना करने के समान होगा। अधिकारियों से मुआवजा भी वसूल किया जाएगा अगर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया गया तो। किसी एक के गुनाह की सजा पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता, मानवीय पहलू को भी कोर्ट ने पूरा ख्याल में रखा। अनुच्छेद 142 के तहत आज बकायदा पूरा निर्देश भी लिखवाया गया, किन किन बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है। बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले न सिर्फ नोटिस देना होगा, उस जिले के डीएम को बताना होगा और इतना ही नहीं, 15 दिन का वक्त के अलावा भी अगले का पक्ष सुने बिना ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर कोई दोषी भी है तो उसका दोष बुलडोजर एक्शन का आधार नहीं हो सकता। अतुल भाटिया और रुचि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। देखो, देखिए मीनाक्षी, 10:30 बजे बेंच ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाना था। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता की ये बेंच थी, दो जजेस की बेंच थी, जिसने 10:30 बजे के बाद ये बेंच जो है बैठती है और उसके बाद ये ऑर्डर सुनाना शुरू करती है। जैसा कि पहले माना जा रहा था, क्योंकि पूर्व जो सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड, उन्होंने भी जब इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई की थी तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि पहले इस जो बुलडोजर जस्टिस था उसके ऊपर रोक लगा दी थी और उसके बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद आज पैन इंडिया ऑर्डर ये सुनाया गया है, जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज जो है उनको ये निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 142 के तहत ये आदेश सुनाया गया है और जिसमें मानवीय आधार जो है उसको सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि किस तरीके से यदि एक घर के अंदर कोई एक अपराध करता है, कोई एक शख्स अपराध करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। साथ ही जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि रात में सड़कों पर जो बच्चे हैं और उनके जो माता पिता हैं वो सड़कों पर अगर उनको देखा जाता है तो ये एक सुखद दृश्य नहीं है, ये पूरे तरीके से गलत है। और जो पूरा जो बुलडोजर जस्टिस था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगाई है और अपराधी और जो अधिकारी हैं उनको ये चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरीके से वो गलत तरीके से कार्रवाई करते हैं या सिर्फ इसलिए कार्रवाई करते हैं कि उसके एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए तो ऐसे मामले के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो जमायत उलामे हिंद, जिस तरीके से उन्होंने कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी, इसके अलावा और भी कई स्टेट से याचिकाएं दाखिल की गई थी, इसमें खास तौर से ये कहा गया था कि एक विशेष वर्ग या को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, इसके ऊपर पैन इंडिया ऑर्डर आज अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसके अंदर ये कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई को अगर कोई की जाती है तो उसमें सबसे पहले 15 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, डीएम की जानकारी में पूरा मैटर होना चाहिए और एक डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए जिसके अंदर तमाम जो चीजें हैं वो उसके अंदर उल्लेख हो, और इस पोर्टल को डिजिटल पोर्टल को बनाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। तो अब इसका जो राज्य सरकार है, क्योंकि हमने देखा उदयपुर के अंदर एक घटना हुई थी, एक शख्स ने जो है वो अपराध किया, उसको गिरफ्तार किया गया, बाद में उसके घर पर बुलडोजर चलता है तो पता लगा कि जो उसका पूरा परिवार है वो घर से बाहर हो गया था, उसकी फैमिली पूरी घर से बाहर थी, तो इन्हीं तमाम जो मानवीय पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरीके से प्रदीप की कविता भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मकान जो है वो एक सपना होता है और किसी भी शख्स का एक संवैधानिक अधिकार है और अगर उसको इस तरीके से तोड़ा जाता है तो ये कोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसका उल्लंघन होगा। इस तरीके से हम समझे कि ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा, अधिकारी ने 3 दिन का वक्त दिया, एक नोटिस चिपकाया और तीसरे दिन आकर बुलडोजर खड़ा हो गया और पीला पंजा चल गया। अब इस तरीके से प्रक्रिया नहीं चलेगी, कानूनी तरीके से कम नोटिस के बाद 15 दिन का वक्त तो होगा ही अगर कोई आरोपित है या फिर कोई दोषी ही क्यों ना हो। रुचि जी, बड़ा फैसला है क्योंकि अभी आपने जैसे बताया, अभी बहराइच में हिंसा हुई और उसके बाद वहाँ पे जो घर थे 22 के करीब
वहां पर नोटिस लगा दिया गया कि 3 दिन के अंदर आप अपना ये घर जो है खाली कर दीजिए, अपने से सब सामान हटा लीजिए, नहीं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो आपसे पैसा वसूला जाएगा। अब अगर जब आप नोटिस जिस समय लगाया गया तो जिनके घरों में लगा था, दुकानों में लगा था, उनको 3 दिन का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि रात में लगा और सिर्फ 2 दिन बाकी थे। वहाँ पूरे इलाके में हिंसा का माहौल था, लोग अपने घरों को छोड़ के भागे हुए थे। वो वहाँ मामला तो हाईकोर्ट में अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर रखा है। तो इस तरह से जो नोटिस लगाकर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो जो आदमी के पास संविधान अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सकता है, उसका मौका नहीं मिलता। अब आज के फैसले के बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा, तो 15 दिन में जिस इंसान के घर के बाहर या उसकी दुकान के बाहर या बिल्डिंग के बाहर नोटिस लगा है तो वो अपनी बात कहीं जाके रख सकता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तो उसको न्याय की उम्मीद मिलेगी। इसलिए ये बड़ा है, इस लिहाज से ये बड़ा फैसला है। दूसरी बात ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो अधिकारी है वो सब वीडियोग्राफी होगी जब बुलडोजर चलेगा, तो एक एक अधिकारी की, कर्मचारी की वहाँ पहचान हो जाएगी कि कौन वो एक्शन कर रहा है। तो ये कहा है कि अगर गलत हुआ तो उसकी भरपाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, भरपाई करनी पड़ेगी। तो यानी एक संकेत साफ है कि जो लोग बुलडोजर जाके लेके जाते हैं, जिनके पास पावर है बुलडोजर चलाने की, वो ये ऑर्डर देने के पहले कि फला घर में, फला बिल्डिंग में बुलडोजर चला लिया जाए, बुलडोजर लेके पहुंच जाए, तो वो भी थोड़ा डरेंगे कि आने वाले दिनों में इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। हम किसी का आशियाना उजाड़ रहे हैं लेकिन इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो जाहिर है इससे होगा ये मीनाक्षी कि लोग फूक फूक कर कदम रखेंगे, सारे जितने नियम कायदे हैं, वैसे तो आप देखें तो नियम कायदे तो पहले भी बने हैं, आप ऐसे किसी के घर जाके बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन इधर देखने में ये आता है कि एकाएक किसी को कहा जाता है कि कोई अपराधी है या मान लीजिए किसी बड़े अपराध में शामिल था और उसके बाद उसका जो घर है वो गिरा दिया जाता है, तो उसके नियम जो कायदे हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब जिनके घर चले गए उनका तो अब पिछली डेट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल फैसला आएगा उससे पता चलेगा कि जिन लोगों के घर ऑलरेडी गिर चुके हैं, रुचि की जो बैक डेट में घर गिराए जा चुके हैं, अब उन पर क्या किया जा सकता है। गौनिका, इस पर कोर्ट का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई ऐसा केस जो कि पिछले केसेस जिसमें बुलडोजर किसी के घर पे चलाया गया हो उसमें क्या कहा है, क्योंकि वो सारी चीजें जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तब सामने आएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई भी शख्स जो कि कोर्ट का रुख करता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कोर्ट का रुख नहीं करते हैं या जिनको पता है कि उनकी प्रॉपर्टी अवैध है, वो एक ना एक दिन ढाई जानी थी, कुछ लोग ये सोचकर भी बैठ जाते हैं, उनको अपने मौलिक अधिकारों का नहीं पता होता कि वो लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और अगर कोई रुख करता है तो फिर वो जुडिशरी उसके आधार पर फैसला लेगी कि किस तरीके से फैसला लिया जाना है। जो बैक डेट में जो बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं क्या वो ठीक है या नहीं, लेकिन ये डिटेल्ड ऑर्डर जब आएगा तो उसमें पता चलेगा। अगर उसमें जिक्र नहीं होगा तब फिर ये देखा जाएगा कि अगर कोई शख्स कोर्ट का रुख करता है उसके आधार पर फिर जज देखेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की जानी है, क्या जो अधिकारी जिसने ये कार्रवाई की है या जिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है या उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया है कि इस पूरे मामले में इस तरीके की कार्रवाइयां अब नहीं हो सकती हैं, वो भी ऐसे म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंगली जो कि हर स्टेट के, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने अपने लॉज होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई करते थे, वो उन नियमों को आधार बनाकर कार्रवाई करते थे कि हमारे म्युनिसिपल लॉज में इतने दिन का वक्त दिया है तो हम इतने दिन का वक्त देते हैं, इस आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अगर इस पूरे फैसले को देखें, ये पूरा का पूरा फैसला नागरिकों के हक में है, ना कि अधिकारियों के हक में। अब नागरिकों के पास ज्यादा अधिकार आ गए हैं देन म्युनिसिपल लॉज में, जो अधिकारियों को राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि नागरिकों को ये वक्त दिया गया कि 15 दिन का उनको वक्त दिया गया है जब उनके पास नोटिस पहुंचता है, उसके बाद भी उनको ये वक्त दिया गया है कि वो जाकर पर्सनल हियरिंग में अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर अगर ढाया जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, अगर उसमें कुछ भी अवैध पाया जाता है तो अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा फैसला नागरिकों के हक में है। अच्छा, नागरिक ऐसा नहीं है कि ये नियम पहले नहीं थे, नियम तो पहले भी थे कि कानूनी रूप से पहले आपको नोटिस चस्पा करनी होगी, आपको बताना होगा। हाँ, इसमें डीएम का इन्वॉल्वमेंट और ऐड कर दिया गया है
और साथ ही ये कह दिया गया है कि जब तक आप पूरा पक्ष नहीं सुन लेते तब तक आप बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन कानून तो पहले से ही इस मामले में अच्छे थे और सख्त थे, वो अलग बात है। एक के बाद एक इस तरीके के केसेस सामने आने लगे जहां पर न्याय के लिए पीला पंजा चलने लगा। वकील जो हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद, वो आप सुने। घर तोड़ देते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे, तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। आपका कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर इंक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर हैं, तो वो भी इंक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्री नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे हो, तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला, बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है, और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही, दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है, या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा, कलेक्टर उसमें एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था, या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीगैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर घर इल्लीगल भी है तो भी आप नहीं तोड़ सकते जब तक आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर लिया। ऐसे नहीं है इलीगल है, आपको पता है और आप बुलडोजर लेके गए, दनादन आपने बुलडोजर चला दिया, घर ध्वस्त कर दिया। अवैध है तो भी आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है। अतुल, बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कार्यपालिका का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है, तो कार्यपालिका जो है वो जो न्यायपालिका के जो अधिकार हैं उनके अधिकार क्षेत्र के बीच में ना आए। यानी कि सीधा सीधा ये कहा गया कि अगर किसी का घर गिराना है, मकान गिराना है, तो ये काम न्यायपालिका का है और वो जिस तरीके के आदेश देगी उनको ही माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह मीनाक्षी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो अधिकारी किसी का मकान गिराने के लिए जाएंगे तो बाकायदा उनके नाम कौन कौन वो अधिकारी है वो लिखे जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ऐसी जगह पर जहां पर डेमोलिशन होता है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू होता है, इसलिए पुलिस अधिकारी वहां पर काफी संख्या में मौजूद होते हैं। तो कौन कौन पुलिस अधिकारी किस किस लेवल के वहां पर मौजूद हैं उनके नाम भी बकायदा लिखे जाएं, ताकि अगर वो गलत काम करते हैं या गलत तरीके से किसी घर को जो डेमोलिश करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसलिए सभी के नाम जो है वो भी नोटिस होने चाहिए। अभी तक क्या होता था मीनाक्षी की जो भी कार्रवाई होती थी, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा, जब सीजीआई की बेंच, जब डीवाई चंद्रचूड जो पूर्व उनकी बेंच में ये पूरा मामला चल रहा था। आपसे बातचीत का सिलसिला आगे और बढ़ाऊंगी। इस वक्त अबू आजमी क्या कह रहे हैं, उनसे इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य बात कर रहे हैं, आप सुनिए। हमारे साथ अबू आजमी, उनसे बात करते हैं। आजमी साहब, बुलडोजर इंसाफ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है?
नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ पिछले कितने सालों से जबरदस्ती लोगों के घर तोड़े जाते हैं। अभी एक एग्जांपल दूं आपको मैं, अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर कोई आदमी था उस पर रेप का केस लगा कर, रेप का आरोप लगाकर उसका पूरा सब का सब डिमोलिश कर दिया गया। अखिलेश जी ने बोला इसका डीएनए करो। डीएनए हुआ तो मालूम हुआ कि उसका कसूर नहीं, उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, उसका घर का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का मैं बहुत ही उसका स्वागत करता हूँ, और कम से कम इस वक्त ये फैसला आया, कम से कम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या भारत में जहाँ जहाँ ये चीज़ें चल रही हैं उसको एक राहत की सांस लेंगे वो लोग। मेरा ये कहना है कि जितने घर इन्होंने तोड़े हैं उन सब का हर्जाना सरकार से लेना चाहिए, सबका पैसा दो कि बेचारे लोग, गरीब लोग घर तोड़ना इस तरह से, और उनके उन्होंने गुंडागर्दी किया है या नहीं किया है, क्राइम में है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। सरकार कैसे फैसला कर सकती है? बहुत सख्त इस पे जो है होना चाहिए फैसला, और जितने भी इन्होंने तोड़े घर ना उन सब घरों का पैसा सरकार से भरवाना चाहिए, और उन अफसरों को जिन्होंने मनमानी किया है उन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। मैं उसी पर एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहा कि किसी एक का अगर किसी एक ने गलती की तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। रात के वक्त इस तरह से महिलाओं बच्चों को सड़क पर देखना बेहद दुखद है। नहीं, एक ने किया मतलब एक ने अगर गलती किया तो घर कैसे तोड़ सकता है? एक ने गलती किया कि आप क्या केस प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया? एक ने गलती किया पूरे फैमिली को उसका वो जो है भुगतान करना पड़ता है। मैं समझता हूँ गलती अगर किसी ने किया तो उसका कोर्ट का पूरा वो होना चाहिए, और कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए कि आप इसका हम घर गिराएंगे। आप उसमें एक प्रोविजन बढ़ा दीजिए ना कि इसको सजा इतने साल की प्लस इसका घर डिमोलिशन, अगर कोर्ट परमिशन देता है तो करिए आप, लेकिन इस तरह से करना बिल्कुल से अन्याय है। गरीब, एक तो गरीबी देश में है, जब से इनकी सरकार आई है गरीबी अमीरी के बीच में कितना बड़ा गहरा गहरी खाई खोदी जा रही है, तो ये तुरंत इसके ऊपर ना, सिर्फ ये नहीं कि अब आइंदा नहीं टूटेगा, जितने टूटे उन सब घरों का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सबसे ज्यादा मुखर थे, योगी सरकार पर आप लगातार आरोप लगा रहे थे, अब जब यूपी से शुरू हुआ सिलसिला मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, अन्य भी राज्यों में हमने देखा इस तरह की घटनाएं हुई, अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद आपको लग रहा है कि ये चीजें रुकेंगी? नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रुकना चाहिए तो 100% रुकना चाहिए, और नहीं रुकती है तो जो जिनकी सरकार उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। योगी को लेकर काफी ज्यादा आप आक्रामक थे, उनको पर उन पर लगातार आप आरोप लगा रहे थे कि जानबूझकर एक चूंकि मुसलमान है इसीलिए उनके घर तोड़े जा रहे। सर आज मैं कह रहा हूँ कि इल्लीगल घर की बात करेंगे, भारतवर्ष पूरा इल्लीगल है। उसने अखिलेश साहब कह रहे थे कि जो सीएम हाउस है लखनऊ का वो भी परमिशन से नहीं बना है, वो भी इल्लीगल है। आप दिल्ली जाइए, बड़े बड़े हैं सैनिक फार्म है, सब बिल्डिंगें इलीगल हैं। पूरा पूरा पूरे देश में कितने लीगलिटी है, लोग जो जब जब छोटी जब डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था लोगों ने घर बना लिए थे और पुराने घर थे।